बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सैयद अली हसनैन। आज हम इस्लामियात जमात हशतम का जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है सीरत तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत तैयबा में हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लकद काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना। इसका मफहूम है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिहाजा अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो आइए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना का एक अहम और अजीम पहलू जिसे खुलके अजीम कहा जाता है उसका मुताला करते हैं। प्यारे बच्चों, खुलके अजीम का मतलब होता है अजीम शान अखलाक। अल्लाह ताला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अजीम शान अखलाक का मालिक बनाया। तो इसी तरह अखलाक का एक जो अहम गोशा और जाविया होता है, एक अहम हिस्सा होता है, उसको अफ़ू दरगुज़र कहते हैं। अफ़ू दरगुज़र का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपसे झगड़ा करे, आपको नुकसान पहुंचाए, आपको कोई अजियत दे, तो आप उससे बदला लेने की बजाय उसको माफ़ कर दें। इसको दरगुज़र करना कहते हैं, अफ़ू दरगुज़र कहते हैं। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में अफ़ू दरगुज़र के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। जैसा कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरऊब होकर यानी खौफजदा होकर घबरा कर तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठाई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कत्ल कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ फरमा दिया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो का कातिल वहशी मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई सज़ा ना दी और सिदके दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी मुआफ़ फरमा दिया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे एक शख्स का कर्ज़ था। एक दिन आकर वो बहुत सख्ती के साथ मुतालबा करने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर इतना ज़ोर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक सुरख हो गई। सहाबा इकराम आगे बढ़े, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना करते हुए फ़रमाया, उसे ऐसा करने का हक है। तो इसी तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के लिए कभी भी किसी से बदला नहीं लेते थे। फ़तेह मक्का के मौका पर सब दुश्मन ये समझ रहे थे कि आज उनकी खैर नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को भी मुआफ़ फरमा दिया और फरमाया, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इसी तरह प्यारे बच्चों, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत सिर्फ़ इंसानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी रहमत और शफ़क़त का मामला फरमाते। जैसा कि एक सहाबी ने जब किसी परिंदे के बच्चों को उठाया और वो शोर मचाने लगा, वो परिंदा बेकरार हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किसने इस परिंदे के बच्चों को उठाकर इसे बेकरार किया है। इस पर उस सहाबी ने बच्चे लाकर उधर रख दिए। इसके बाद उस परिंदे को करार आया यानी वो पुरसकून हो गया। इसी तरह एक दफ़ा एक ऊँट वाले को उसके ऊँट के बारे में नरमी करने, काफ़ी खुराक देने यानी जितनी खुराक की उसे ज़रूरत है उतनी खुराक देने और ताकत के मुताबिक बार लादने, बार कहते हैं बोझ को यानी जितना बोझ वो उठा सकता है उतना ही बोझ लादने का हुक्म दिया।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یعنی تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بھی بہت پیار اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بوسا لیا۔ ایک بدو کا مطلب ہوتا ہے ایک ان پڑھ دیہاتی، وہ اس کا نام تھا اقرا بن حابس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، تکلیف پہنچائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں جانوروں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بیٹا، یہی آپ کا آج کا لیسن ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر کے پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے ٹیچر سید علی حسنین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔